हेलो एंड वेलकम बैक टू द टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 60 डे प्रोग्राम द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज विथ डिटेल्ड एनालिसिस डे वन। तो आर यू एक्साइटेड और नॉट, हमको जरूर बताइए। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि प्रीलिम्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस ऑफ वॉट? प्रैक्टिस ऑफ फैक्ट्स, प्रैक्टिस ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉमन सेंस, क्योंकि सर वहां पर कॉमन सेंस भी वर्क नहीं करता अंडर प्रेशर, तो इस चीज की भी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इन सब चीजों की हम यहां पर खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। और हमारा कवरेज क्या होगा, हम सारे सब्जेक्ट्स का स्टैटिक पोर्शन भी कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है उन सबको कवर करेंगे। यानी आपको पूरा कवरेज हम देंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दीज विथ करंट अफेयर्स। तो हम आपको बेसिक्स, स्टैटिक और आपको एडवांस में एंड करंट अफेयर सारी चीज का हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है सर, इस गेम्स के कुछ रूल्स होंगे। रूल्स ये हैं सर कि आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको वीडियो पॉज करनी है, और वीडियो पॉज करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखने हैं। कि जैसे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी है तो आपको लिखना है 3B, 14C, 15A, इस टाइप के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखने हैं, और ये अंत तक आपको करना है जब तक क्वेश्चन समाप्त ना हो जाए। और अंत में आपको क्या करना है कि आपने जितने क्वेश्चंस हुए हैं उसमें से जितने आपके सही हैं आपको अपने आप को स्कोर करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है सर, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिएगा कि वीडियो को बहुत ज़्यादा देर के लिए पॉज मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पॉज कर लेंगे आप, लेकिन वहाँ पर तो आप पॉज नहीं कर पाएंगे टाइम को, तो उसी हिसाब से हमको प्रैक्टिस करनी है। तो ज़्यादा देर के लिए पॉज मत कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने से हेजिटेट मत कीजिएगा, क्योंकि सर आप हेजिटेशन अगर आपके अंदर रहेगी तो आप ग्रो कैसे करेंगे? आपके अगर खराब मार्क्स आ रहे हैं, खराब सवाल लग रहे हैं आपसे, सवाल नहीं लग पा रहे हैं, खराब स्कोर है आपका, तो भी आप लिखिए और आप उसको दिन प्रतिदिन 60 दिनों में आप अपनी ग्रोथ देखिए। ठीक है सर, और आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ये सीरीज आपके लिए ही है, तो पार्टिसिपेट खूब कीजिए। ठीक है सर, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड लेट्स बिगिन दिस गेम ऑफ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन और एक्शंस कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम अ रिसेशन? ऑप्शन वन, रिड्यूसिंग टैक्सेस, लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर लिखिए। ठीक है सर, आइए मैं आपको इसका आंसर समझाता हूं। देखिए, रिसेशन क्या होता है? रिसेशन मतलब होता है मंदी। मंदी का मतलब है कि डिमांड नहीं है, यानी लोग खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो कम हो गई है, तो रिसेशन आ गया है। अब इकोनॉमी को अगर बूस्ट करना है यानी डिमांड को बढ़ाना है, तो कॉन्सेप्ट क्या है सर कि डिमांड को बढ़ाना है। अब ऑप्शन में आपको ये चेक करना है कि डिमांड किन किन चीजों से बढ़ेगी। अगर सरकार ने टैक्स रिड्यूस कर दिए तो कॉरपोरेट के पास भी और इंडिविजुअल के पास भी जो इनकम, डिस्पोजेबल इनकम होगी वो बढ़ जाएगी। जब उनके पास इनकम ज़्यादा बचेगी खर्च करने के लिए तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और डिमांड जब ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होने लगेगी। ठीक है सर, पहला कॉन्सेप्ट पहला सही है। दूसरा, लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट। तो जैसे ही बैंक अपना इंटरेस्ट रेट लोअर करेंगे तो लोन लेना चीपर हो जाएगा, लोन हम आराम से ले पाएंगे कम इंटरेस्ट रेट पर, तो लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे लोन लेने के लिए, ताकि उस लोन को लेकर इन्वेस्ट कर सकें। तो क्या करेंगे, वो लोन लेंगे, उनके हाथ में पैसे आएंगे तो डिमांड करेंगे, या तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो अगर इंडिविजुअल पर्पस के लिए तो डिमांड करेंगे। वो जैसे ही डिमांड करेंगे तो भी हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगेगी। तीसरा, इंक्रीजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मान लीजिए रोड बनवा रही है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी। जैसे ही लोगों के हाथ में एम्प्लॉयमेंट आएगा तो उनके हाथ में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो वो लोग भी डिमांड करना शुरू कर देंगे, तो थर्ड भी सही है। और चौथा, इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। तो सर गेम तो मनी सप्लाई का ही है, अगर मनी सप्लाई आप इंक्रीज करेंगे तभी तो डिमांड बढ़ेगी। तो अगर मनी सप्लाई इंक्रीज कर देंगे, जैसे हेलीकॉप्टर मनी, तो अगर हेलीकॉप्टर मनी के थ्रू, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा आगे, मनी सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए बेसिकली।
तो अगर आपने इंटरेस्ट रेट बैंक ने कम कर दिया तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लोग के लिए लोन लेंगे, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, और जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ेगी डिमांड ग्रो होने लगेगी, और डिमांड बूस्ट होगी तो सर इकोनॉमी का पहिया चलने लगेगा। तो इसका ऑप्शन होंगे 1, 2, 3, 4, ये है आंसर, आंसर डी। ठीक है सर, ये मैंने आपके लिए आंसर लिख भी दिया है कि रिसेशन क्या है। इट्स जनरली अकर व्हेन देयर इज अ वाइड स्प्रेड ड्रॉप इन द स्पेंडिंग, लोग खर्च नहीं करना चाहते, तो सरकार को कौन सी पॉलिसीज लेनी पड़ती हैं, एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। सर मैंने फिस्कल पॉलिसी का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस दिया है, मैंने पूरा एक कोर्स बनाया है, मेरे प्लेलिस्ट में होगा, आप जाके चेक कर लीजिएगा। एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब कि सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है और सेव कम कर रही है, यानी रेवेन्यू कम है उसके पास लेकिन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो एक्सपेंशनरी इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए एक्सपेंशनरी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉलो कर रही है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, रिड्यूसिंग द टैक्सेस एंड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मे लीड टू द रेजोल्यूशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सर इफ द एनुअल यूनियन बजट इज रिजेक्टेड बाय द लोकसभा, इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स फ्रॉम हिज ऑफिस, इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय द लोकसभा, एंड इफ द लोकसभा पासेस सेंश्योर मोशन। तो चार ऑप्शन है आपके पास, देखते हैं क्या करेक्ट है, लगाइए सवाल को। देखिए सर, एक कॉन्सेप्ट समझिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तीन फीचर्स हैं। पहला फीचर यह है कि जो नॉमिनल हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा, और जो रियल हेड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। पहला फीचर क्लियर है। दूसरा फीचर कि जो एग्जीक्यूटिव होगा वो लेजिस्लेटिव से निकाल कर लाए गए होंगे, एग्जीक्यूटिव विल बी ड्रॉन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव। एंड जो तीसरा फीचर है कि एग्जीक्यूटिव जो रियल हेड हैं विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। ये तीन फीचर हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। ठीक है सर, तो इसमें तीसरा फीचर क्या है कि एग्जीक्यूटिव विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। तो सर पहला ऑप्शन पढ़िए, इफ द एनुअल यूनियन बजट इज रिजेक्टेड बाय द लोकसभा, तो अगर लोकसभा ने ये उनका बजट रिजेक्ट कर दिया है, यानी वो पैसे नहीं निकाल सकते कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, यानी लेजिस्लेटिव क्या कर रहा है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर भरोसा नहीं दिखा रहा है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, इसलिए वो पैसे नहीं दे रहा है, तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो इस वजह से वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो पहला इवेंट ये हो गया। दूसरा इवेंट, इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स फ्रॉम हिज ऑफिस, तो सर रियल हेड एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो मान लीजिए ये पार्लियामेंट है, इससे आपने ये एग्जीक्यूटिव निकाल लिए। ठीक है सर, और ये एग्जीक्यूटिव के जो एकदम सेंटर पे होंगे वो होंगे PM साहब, ये हार्ट है एग्जीक्यूटिव के, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हार्ट क्या है, प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर जी मर जाते हैं या वो रिजाइन करते हैं तो हार्ट फेल हो रहा है, यानी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बॉडी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है सर, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा, इफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड बाय द लोकसभा यानी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास को ये कॉन्फिडेंस नहीं है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, क्योंकि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया कि वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन यू, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा। एंड चौथा सर, इफ लोकसभा पासेस सेंश्योर मोशन, तो सेंश्योर मोशन समझ लेते हैं। देखिए सेंश्योर मोशन क्या होता है, अगर किसी भी स्पेसिफिक पॉलिसी है गवर्नमेंट की या कोई स्पेसिफिक एक्शन है और उसकी निंदा करनी है लेजिस्लेटिव को, तो वो क्या करता है, वो सेंश्योर मोशन पास करता है। वो किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी पास कर सकते हैं, या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी पास करते हैं, या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ भी पास किया जा सकता है सेंश्योर मोशन। लेकिन अगर ये पास भी हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व किया जाए। इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड नॉट टू बी रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। तो अगर आपको ये चौथा ऑप्शन आता तो ये पूरा सवाल बन जाता। क्यों सर, क्योंकि आपको सेंश्योर मोशन पता होता तो एलिमिनेशन लग जाता, देखिए 4 गायब होता तुरंत और सी आंसर हो जाता। लेकिन मैंने आपको पूरी चीज़ बताई कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें लेजिस्लेटिव जो है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से भी कंट्रोल कर सकता है, उनका बजट नहीं पास करते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे रहे हैं खुद ही तो डिसॉल्व होंगे ही, क्योंकि वो हार्ट हैं पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। लेकिन सेंश्योर मोशन अगर आपको पता होता तो ये सवाल लग जाता। ठीक है सर, देखिए आर्टिकल 74 डील्स विद द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, व्हाइल आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट टेन्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिफिकेशन ओथ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स।
and the fundamental principle underlying the working of the parliamentary system of government is principle of collective responsibility, which means ki executive will be collective responsible to the Lok Sabha. Theek hai sir? लिखा भी है आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. सवाल समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? ये सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा ले जाएंगे, या तो आपको सेंशन मोशन पता होता तो एलिमिनेशन से लगा लेते. ठीक है सर, तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म ऑपरेशन क्लीन आर्ट इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट. तो सर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, या तो आपको ऑपरेशन क्लीन आर्ट पता है या तो नहीं पता है. इसका ऑप्शन पढ़िए, क्रैक डाउन ऑन द स्मगलिंग ऑफ मंगूज हेयर इन द कंट्री, क्रैक डाउन ऑन द इंटरनेशनल स्मगलिंग ऑफ इंडियन पेंगोलिंस, प्रोवाइड सेफ नेस्टिंग साइट्स फॉर ऑलिव रिडले टॉर्टोइस, कैंपेन टू इंश्योर दैट यूरेशियन ऑटर्स बी एडेड टू द अपेंडिक्स 1 ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज. तो लगाइए सवाल को, फैक्चुअल सवाल है सर, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है. इसका आंसर है सर फर्स्ट ए, क्रैक डाउन ऑन द स्मगलिंग ऑफ मंगूज हेयर इन द कंट्री. पढ़ लेते हैं इसके आंसर को. देखिए जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है वॉज द फर्स्ट पैन इंडिया ऑपरेशन टू क्रैक डाउन ऑन द स्मगलिंग ऑफ मंगूज हेयर इन द कंट्री एंड इट इज कंसीव्ड बाय द वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. इट वॉज प्लांट रेड, ये प्लांट रेड थी, एंड नॉट टू एप्रीहेंड क्रिमिनल्स बट टू चेक ऑन द ऑर्गेनाइज फैक्ट्रीज दैट वर मेकिंग पेंट ब्रशेस विथ मंगूज हेयर. तो मंगूज के हेयर से ये लोग क्या बना रहे थे, पेंट करने वाली ब्रशेस बना रहे थे. एंड द मंगूज इज लिस्टेड इन द शेड्यूल 2 पार्ट 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड एनी स्मगलिंग और पोसेशन ऑफ इट्स बॉडी पार्ट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस. यानी अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपकी बेल ही नहीं होगी सर, नॉन बेलेबल ऑफेंस है. क्यों सर? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल 2 पार्ट 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है, इनका कंजर्वेशन कर रहे हैं हम. और लोग क्या कर रहे हैं, मंगूज हेयर को यूज़ करके स्मगल करके उनके उनके हेयर से क्या बना रहे हैं, पेंट की ब्रश बना रहे हैं. तो इसलिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया ताकि हम अचानक से एक प्लांट रेड मारें और इन फैक्ट्रियों को चेक करें कि ये ऐसा तो नहीं कर रही हैं पेंट फैक्ट्रियाज. ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन पायलट स्टेट इन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री, इट्स सोल ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, इट इज अ ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ऑल ऑफ द ईज. तो भैया ए सही, बी सही, सी सही, डी सही, कौन सा सही है आप बताइए हमको. देखिए जो ये सवाल है ये कॉमन सेंस का सवाल है, आपको नहीं भी पता है तो भी चलेगा. आपके नाम में देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पहले बेटी को बचाना है फिर बेटी को पढ़ाना है. ऑप्शन बी चेक कीजिए, इट्स सोल ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड. सर बचाने की तो बात ही नहीं की आपने, केवल एजुकेशन पढ़ाने की बात की, तो सोल ऑब्जेक्टिव तो बचाना भी है ना सर, तो बी गलत हो गया. और जैसे ही बी गलत हुआ तो सब नहीं हो सकते, तो डी भी गलत हो गया. अब ए और सी में चेक करना है, इट इज बीइंग करेंटली बीइंग इंप्लीमेंटेड इन द पायलट स्टेट इन सेलेक्टेड इन द कंट्री. तो सर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में केवल पायलट के रूप में नहीं चला रहे हैं, पूरे इंडिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला रहे हैं. तो ये करेंटली जो है पूरे इंडिया पैन इंडिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो पहला गलत हो गया. तो आंसर क्या हो गया सर, सी, इट्स अ ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लग भी रहा है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्योंकि बेटी को बचाना भी है, हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्योंकि उसको एजुकेशन भी देनी है. तो आपको तीनों मिनिस्ट्री ये लग भी रहे हैं, तो कॉमन सेंस भी लग रहा है कि सी होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होना चाहिए. इसका आंसर है सी, टू प्रिवेंट द जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, द सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड टू इंश्योर द एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, द गवर्नमेंट लॉन्च बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑन 22 जनवरी 2015 एट पानीपत एट इन हरियाणा. तो सर उनको सेलेक्टिव एलिमिनेशन, जो सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन है, पैदा हुआ आपको पता चल गया लड़की है आपने एलिमिनेट कर दिया, इनसे भी बचाना है, बेटी को बचाना भी है, एंड देन एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड. ठीक है सर. दूसरा, इट इज अ ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, मैं बता दिया आपको, ये 100 डिस्ट्रिक्ट वर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लो चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011, कवरिंग ऑल स्टेट्स एंड यूटीज एज अ पायलट विद एटलीस्ट 1 डिस्ट्रिक्ट इन ईच स्टेट अंडर फेज 1. तो ये फेज 1 में 100 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया,
लेकिन नाउ इट इज बीइंग करेंटली ऑपरेटेड इन द 640 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया. वो भारत की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं 640, उन सभी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अब चलाया जा रहा है. ठीक है सर, समझ में आया आपको. क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, समझिए इस चीज को. टैक्स बॉयंसी रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स मोबिलाइजेशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ. टैक्स इलास्टिसिटी रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द चेंज इन द टैक्स रेट. लाफर कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स बॉयंसी. अब आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सही है. तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टैक्स बॉयंसी क्या है, टैक्स इलास्टिसिटी क्या है और लाफर कर्व क्या है. जैसे आपको ये पता होगा आंसर तुरंत आ जाएगा. तो लगाइए सवाल को, पॉज कर दीजिए वीडियो. देखिए सर, टैक्स बॉयंसी क्या है. टैक्स बॉयंसी एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन द गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड चेंज इन जीडीपी. तो जैसे ही भारत की जीडीपी जितनी चेंज हो रही है, क्या उसके अनुसार उसका रिलेशन क्या है गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ से, कि जीडीपी बढ़ी तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा. अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं टैक्स बॉयंसी. ठीक है सर, तो रेवेन्यू ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ, इन दोनों के रिलेशन को क्या बोलते हैं, टैक्स बॉयंसी. व्हेन टैक्स इज बॉयंट इट इज इट्स रेवेन्यू इंक्रीजेस विदाउट इंक्रीज इन टैक्स रेट. तो सर टैक्स रेट को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है इकॉनमी में, तो अपने आप गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा है, टैक्स रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब वो टैक्स कैसा है, बॉयंट टैक्स है. और ये टैक्स बॉयंसी जो होती है वो डायरेक्ट टैक्स के लिए हाई होती है. जितना ज़्यादा जीडीपी ग्रो करेगी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो होगा वो उसके अनुसार ज़्यादा आएगा. तो टैक्स बॉयंसी डायरेक्ट टैक्स के लिए ज़्यादा होती है. ठीक है सर, टैक्स बॉयंसी समझ में आया आपको. टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है. देखिए जब गवर्नमेंट टैक्स रेट्स बढ़ाती है 10 से 12 या 12 से 15% कर दिया टैक्स रेट, तो जब टैक्स बढ़ाती है तब जितना रेवेन्यू बढ़ता है, यानी टैक्स रेट बढ़ाने पर जितना टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा उसको बोलते हैं टैक्स इलास्टिसिटी. उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, टैक्स इलास्टिसिटी. टैक्स इलास्टिसिटी रिफर्स टू चेंज इन टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द टैक्स रेट. तो जैसा टैक्स रेट को चेंज किया उसके रिस्पॉन्स में टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ा, इसको बोलते हैं टैक्स इलास्टिसिटी. तो आपको टैक्स बॉयंसी मतलब टैक्स रेट को चेंज नहीं कर रहे हैं, पर जीडीपी के ग्रो होने से ही क्या बढ़ जा रहा है, रेवेन्यू बढ़ जा रहा है भारत सरकार का. लेकिन टैक्स इलास्टिसिटी क्या है, टैक्स रेट्स को बढ़ा रहे हैं तब टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है. और लाफर कर्व क्या सर, ये आर्थर लाफर जी ने दिया था लाफर कर्व. देखिए कर्व कुछ इस प्रकार है, यहां पर टैक्स रेट है और यहां पर टैक्स रेवेन्यू है. ठीक है सर, यहां पर टैक्स रेट है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर टैक्स रेवेन्यू है. और एक पॉइंट आप ये देखिए, जहां पर मैक्सिमम ये टैक्स रेट यहां पर ये होगा तो मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू होगा, माफ कीजिएगा मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू होगा. तो आर्थर लॉफर जी ये कहते हैं कि भारत सरकार जब टैक्स बढ़ाएगी या कोई भी सरकार जब आप टैक्स बढ़ाएंगे तो शुरुआत में तो टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा आपके पास, टैक्स रेट बढ़ाएंगे 10 से 15 20 30 40, लेकिन एक टैक्स रेट ऐसा आएगा जिसके बाद आपका रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, रेवेन्यू घटना शुरू हो जाएगा. ये आर्थर लॉफर जी ने कहा. उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि सर जब आप टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपने 70% टैक्स लगा दिया, अब जो इंसान 100 रुपये कमा रहा है उसको 70 रुपये भारत सरकार को देना है, तो इतनी मेहनत करने के बाद उसके पास 30 रुपये बचेंगे तो वो कमाएगा ही क्यों, या तो वो काम करना छोड़ देगा या तो वो टैक्स की चोरी करने लगेगा. समझ रहे हैं, तो भारत सरकार का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा. तो आर्थर लाफर जी ये कह रहे हैं लाफर कर्व के थ्रू कि टैक्स रेट एक ऐसा ऑप्टिमम टैक्स रेट होगा जिसके बाद टैक्स रेवेन्यू घटने लगेगा और जिस टैक्स रेट उस टैक्स रेट पर सबसे मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू होगा आपके पास, ये टैक्स रेट. तो लाफर कर्व और इलास्टिसिटी आप समझिए, इलास्टिसिटी कैसी क्या कहती है कि टैक्स रेट जैसे ही ग्रो करेंगे रेवेन्यू भी ग्रो होगा, और लाफर कर्व क्या कहता है कि बिल्कुल ग्रो होगा लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, घटने लगेगा. तो लाफर कर्व डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू विद ऑप्टिमम टैक्स रेट दैट मैक्सिमाइज द टोटल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू. सो लाफर कर्व इज रिलेटेड टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स इलास्टिसिटी. तो लाफर कर्व बताता है कि टैक्स इलास्टिसिटी क्या है, इस कॉन्सेप्ट को ये क्या करता है यहां पर रिप्रेजेंट करता है. ठीक सर, इस पहले ऑप्शन को देखिए, टैक्स बॉयंसी रिफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स मोबिलाइजेशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, एकदम करेक्ट है.
सेकंड, द टैक्स इलास्टिसिटी रिफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रेवेन्यू टू द चेंज इन टैक्स रेट. बिल्कुल सही है कि टैक्स रेट बढ़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, रिलेशन क्या है उनके बीच में, ये टैक्स इलास्टिसिटी बताता है. बिल्कुल. एंड लाफर कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स बॉयंसी. नो सर, इट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैक्स इलास्टिसिटी. ठीक है सर, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर. कैसा लगा ये सवाल बताइएगा जरूर, और आपको बॉयंसी और इलास्टिसिटी और लाफर कर्व समझ में आया कि नहीं. ठीक है, आगे बढ़ें. क्वेश्चन नंबर सिक्स, द टर्म डीप फेक समटाइम्स इन द न्यूज इज रिलेटेड टू. अब ये फैक्चुअल सवाल है, या तो आपको डीप फेक के बारे में पता है या तो नहीं पता है, लेकिन कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं आप. पढ़िए ऑप्शन, टेक्नोलॉजी यूज टू डिटेक्ट फेक न्यूज इन द सोशल मीडिया, अल्गोरिथम्स यूज टू मैनिपुलेट द अपीयरेंस एंड द वॉइसेस इन टू रियल लुकिंग फुटेज, रोबोट सेंट ऑन अ सी बेड टू डिस्कवर द पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स, सॉफ्टवेयर यूज इन द बैंक टू डिटेक्ट काउंटर फीट करेंसी. अब ये तो आपको ये आता है या तो नहीं आता, ये फैक्चुअल सवाल है. देखिए इसका आंसर है, आप दीजिए कमेंट बॉक्स में. इसका आंसर है बी सर, एल्गोरिथम्स यूज टू मैनिपुलेट द अपीयरेंसेस एंड वॉइस इनटू द रियल लुकिंग फुटेज. जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे कि मेरे वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ इस वॉइस को ही चेंज कर देंगे, या मेरे ऊपर किसी का फेस लगा देंगे, और आपको लगेगा कि मनोज तिवारी, अगर मनोज तिवारी का फेस लगा दिया तो आपको लगेगा कि मनोज तिवारी जी ये बोल रहे हैं, और लिपसिंग ऐसे मैच कर देंगे साउंड के साथ, तो आप, मैं बोल मैं रहा हूं, लेकिन आपको क्या लगेगा कि मनोज तिवारी जी कुछ बोल रहे हैं, और ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोपोगेंडा चला सकते हैं. देखिए, द वर्ड डीप फेक इज द इज मेड फ्रॉम द डीप लर्निंग एंड फेक. डीप फेक इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर दैट सुपर इम्पोज अ डिजिटल कंपोजिट ऑन एन एग्जिस्टिंग वीडियो और ऑडियो. तो पहले से कोई वीडियो और ऑडियो प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या करेंगे ये लोग, सुपर इम्पोज कर देंगे कोई भी चीज़. दीज ए आई पावर्ड एल्गोरिथम्स डैट मैनिपुलेट्स अपीयरेंसेस एंड वॉइस ऑफ द पीपल इन टू द रियल लुकिंग फुटेज. तो लोगों को ऐसा लगेगा कि एकदम रियल आदमी मनोज तिवारी जी ही बोल रहे हैं, और बोल मैं रहा हूँ, चेहरा मेरा होगा, एक्सप्रेशन सारे मेरे होंगे, लेकिन मनोज तिवारी जी का चेहरा लगा के उनका एक्सप्रेशन दिखाया जा रहा होगा. यानी मेरी वीडियो के ऊपर मनोज तिवारी जी का फेस लगाकर, उनकी वॉइस लगाकर आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है. आपको लगेगा ही नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ, इतना फेक है, डीप फेक. तो कंसर्न क्या है, एज डीप फेक्स आर क्रिएटेड थ्रू AI, दे डोंट रिक्वायर द कंसिडरेबल स्किल दैट इट वुड टेक टू क्रिएट अ रियलिस्टिक वीडियो अदरवाइज. तो सर ज़्यादा स्किल चाहिए ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम कर रहा है, तो आराम से कोई भी ये काम कर सकता है. और अगर कोई भी ये काम कर सकता है तो क्या होगा सर, एनीवन वुड क्रिएट अ डीप फेक टू प्रमोट दियर चूजन एजेंडा. तो वो अपना एजेंडा कोई भी उनको चलाना होगा तो कोई भी चला सकता है, बहुत ज़्यादा कंसर्न है. दूसरा, बैकग्राउंड क्या था, ये क्यों आया सवाल हमारे पास. देखिए क्यों आया, मतलब कि इसका बैकग्राउंड कहाँ था, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी. द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड डीप फेक कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 2017 व्हेन अ रेडिट यूजर, उसका नाम क्या था, विद अ यूजर नेम डीप फेक्स एक्सपोस्टेड एक्सप्लिसिट वीडियोज ऑफ सेलिब्रिटीज. तो उसने, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डीप फेक है क्या. डीप फेक इतना गहरा फेक है कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ देर बाद इसके ऊपर कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ और लगा देंगे और आपको लगेगा कोई और पढ़ा रहा है. ठीक है सर. डीप फेक्शन नंबर सेवन, विच इज़ द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडी एलोकेटेड बाई द गवर्नमेंट. तो भैया डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको दी, फिर किसको, फिर किसको. ऑप्शन है आपके पास, तीन ऑप्शन है, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल. इन तीनों को अरेंज करना है. इन तीनों में सबसे ज़्यादा सब्सिडी भारत सरकार किसको देती है, उसके बाद कम किसको देती है, और सबसे कम किसको देती है. लगाइए इस सवाल को, ऑप्शन पढ़ लीजिए. अब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना आपको. देखिए इसका आंसर है ए, फूड में सबसे ज़्यादा सब्सिडी देती है, फिर फर्टिलाइजर्स एंड देन फ्यूल. आइए इसको देख लेते हैं. एक्सपेंडिचर ऑन द मेजर सब्सिडीज इन 2019-20. देखिए फूड सब्सिडी में भारत सरकार ने 1.84% खर्चा किया. न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी है 0.26%, यूरिया सब्सिडी है 0.54% एंड पेट्रोलियम है 0.37%. लेकिन जब फर्टिलाइजर्स हम काउंट करते हैं तो हम न्यूट्रिएंट्स और यूरिया दोनों को इंक्लूड करते हैं, और इनको इंक्लूड करके हो जाता है 0.80%. इसका मतलब फूड में सबसे ज़्यादा 1.84, देन फर्टिलाइजर 0.80 एंड देन फ्यूल 0.37%. ये है सब्सिडी का ऑर्डर फूड, फर्टिलाइजर्स एंड फ्यूल के लिए. ठीक है सर,
क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो किसको गवर्नर अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट रिमूव करता है? मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? तो बताइए इसका उत्तर क्या है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। सर ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है और पॉलिटी से सवाल है। कॉन्सेप्चुअल सवाल, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। देखिए अगर किसी लोअर हायरार्की वाले ने किसी को अपॉइंट किया है तो उसके ऊपर वाले ही रिमूव कर सकते हैं, नीचे वाले रिमूव नहीं कर सकते हैं। यानी अगर गवर्नर ने किसी को अपॉइंट किया है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, ऊपर वाले रिमूव कर सकते हैं, हायरार्की में जो ऊपर होंगे, लेकिन गवर्नर के नीचे वाले उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? यानी अगर प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर रहा है तो नीचे वाले जितने हैं कोई उसको रिमूव नहीं कर सकता, और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई है नहीं तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा इसको। यानी प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा, लेकिन गवर्नर जिसको अपॉइंट करेगा तो गवर्नर भी रिमूव कर सकता है और गवर्नर के ऊपर वाले वो भी रिमूव कर सकते हैं, यानी प्रेसिडेंट भी रिमूव कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? अब सवाल पढ़िए कि अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रिमूव किसने किया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है। सेकंड ऑप्शन देखिए, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। आपको पता है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या होता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो भैया रिमूव कौन करेगा याद करने की जरूरत नहीं है, रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट रिमूव करेगा उनको। और पूछा क्या है सवाल में कि गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करेगा, तो भैया गवर्नर तो अपॉइंट ही नहीं कर रहा हाई कोर्ट के जजेस को, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत है, अपॉइंट ही नहीं कर रहा है, रिमूव करने की दो बात ही छोड़िए, तो दो हटा दीजिए एलिमिनेशन से, 2 and 4 आर आउट, बचे कौन से 1 and 3, तो 1, 3 दोनों में है। अब आपको 4 चेक करना है, सर जल्दी करने के लिए ऐसे ही करते हैं। अब 4 चेक कीजिए आप, मेंबर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स। द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। तो भैया इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट। तो अब रिमूव कौन करेगा? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेगा, क्योंकि उससे नीचे वाले उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो भैया ये 4 भी आउट, बचे कौन? 1 and 3। स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट गवर्नर करता है और रिमूव प्रेसिडेंट करता है। मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट गवर्नर करता है और रिमूव प्रेसिडेंट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 1 and 3। इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। द चेयरमैन एंड एनी अदर मेंबर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर मेड बाय द प्रेसिडेंट। और ग्राउंड क्या होगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर इंक्वायरी मेड बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन विच सच चेयरमैन और मेंबर हैड बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ चार्जेस अगेंस्ट हिम एंड गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज चार्जेस। ठीक है सर, तो भैया रिमूव कैसे होंगे? प्रेसिडेंट रिमूव करेगा। ग्राउंड क्या होगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और इसको चेक कौन करेगा? इंक्वायरी कौन करेगा? मेड बाय अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है सर, जिसमें उसको पूरा हक मिलेगा कि उसको सुना जाए, उसके ऊपर जो चार्ज लगाए जाएंगे उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ताकि वो अपनी बातें कह सके, और उसके बाद इंक्वायरी खत्म होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी पाया तो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। बिल्कुल सर। सेकेंड, द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन ऑफ द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये सब समझते हैं आप, पंचायत वाला। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो गवर्नर अपॉइंट करता है। हिज कंडीशन एंड सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस शैल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर। ही शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट इन द मैनर्स एंड ऑन द ग्राउंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, कैसा लगा ये सवाल? कॉन्सेप्चुअल सवाल था। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग हैड फर्स्ट यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हिंदू घाटी सभ्यता, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार किसने किया? सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, चार्ल्स विल्किंस और आरडी बनर्जी। आप बताइए इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए किसने बताया। देखिए सर जॉन मार्शल को 1902 में लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बनाया था और ही लेड टू द एग्जीक्यूशंस एट द तक्षशिला, सांची एंड इन बलूचिस्तान।
और इन्होंने ही पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता या इंदस वैली सिविलाइजेशन टर्म का यूज किया था। तो आंसर क्या हो गया, सन जॉर्ज मार्शल। इनके बारे में देख लेते हैं, दयाराम साहनी लेट द एग्जीक्यूशन ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा का एग्जीक्यूशन किसने लेट किया था, दयाराम साहनी ने। और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दयाराम साहनी जी। चार्ल्स विल्किन वॉज द अमंग द फाउंडर्स ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, जो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बनी थी उसके जो फाउंडर थे वो उनमें से एक कौन थे, चार्ल्स विल्किन। एंड ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता। तो भगवत गीता का इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था ताकि इंग्लिश या ब्रिटिशर्स भी जान पाए कि भगवत गीता में क्या लिखा है। एंड लास्ट इज आर डी बनर्जी एग्जीक्यूटेड द साइट ऑफ मोहन जोदारो। तो मोहन जोदारो की साइट का एग्जीक्यूशन आर डी बनर्जी ने किया था। तो इसका उत्तर क्या हो गया सर, सर जॉन मार्शल। ठीक है, अब आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज डेजिग्नेटेड एज द कैबिनेट सेक्रेटरिएट। एंड सेकेंड ऑप्शन इज कैबिनेट सेक्रेटरी इज द चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। आपको बताना है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बताइए सर कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका आंसर क्या है, इन 1935 वॉइसरॉय प्राइवेट सेक्रेटरी वॉज गिवन द एडिशनल डेजिग्नेशन ऑफ सेक्रेटरी टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द सेक्रेटरिएट ऑफ द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज डेजिग्नेटेड एज द कैबिनेट सेक्रेटरिएट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन सेप्टेम्बर 1946। तो भैया अंतरिम गवर्नमेंट जब बन गई थी तब जो वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो सेक्रेटरिएट था उसको कैबिनेट सेक्रेटरिएट बनाया गया, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को नहीं बनाया गया, उसके सेक्रेटरिएट को बनाया गया। ठीक है सर, पहला। एंड दूसरा, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज द ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। सर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ, एक्स ऑफिशियो मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ, यानी अगर वो सेक्रेटरिएट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, इसलिए वो भी सिविल सर्विसेज बोर्ड के भी क्या हैं, चेयरमैन हैं। ठीक है सर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि सर उन्होंने क्या लिखा है, वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज डेजिग्नेटेड एज कैबिनेट सेक्रेटरिएट। सर एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं, सेक्रेटरिएट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है सर, छोटा सा अंतर कंफ्यूज करने के लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 11, विथ रेफरेंस टू द विलेज स्टोरेज स्कीम अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2020-21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट विल बी द रन बाय द ग्राम पंचायत हेल्पिंग देम रिगेन दियर पोजिशन एज धन्य लक्ष्मी, इट सीक्स टू प्रोवाइड फार्मर्स अ गुड होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस दियर लॉजिस्टिक कॉस्ट। सर ये कॉमन सेंस का सवाल है, मुझको बिल्कुल नहीं पता कि विलेज स्टोरेज स्कीम है क्या, फिर भी ये सवाल लगाया जा सकता है। आप सोचिए, पॉज कीजिए और लगाइए आंसर। देखिए विलेज स्टोरेज स्कीम, अब पहला ऑप्शन क्या है, इट विल बी रन बाय द ग्राम पंचायत हेल्पिंग देम रिगेन दियर पोजिशन एज धन्य लक्ष्मी। सर लक्ष्मी तो औरत को कहा जाता है, धन लक्ष्मी यानी पैसे की लक्ष्मी, और ये ग्राम पंचायत विल बी रन बाय द ग्राम पंचायत, तो ये थोड़ा सा अपसर्ड नहीं लग रहा आपको कि ये किसी वुमेन के द्वारा रन किया जाना चाहिए। ठीक है सर, पहली चीज ये। तो ये विलेज स्टोरेज स्कीम है विल बी रन बाय द SHG नॉट द ग्राम पंचायत, भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंड हेंस विल हेल्प वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू रिगेन देयर पोजीशन एज धन लक्ष्मी। समझे सर आप, तो वहीं पर आप उस चीज को पकड़ सकते थे। दूसरा ऑप्शन क्या है, इट सीक्स टू प्रोवाइड अ फार्मर्स गुड होल्डिंग कैपेसिटी। सर स्टोरेज की मैं स्टोर बना रहे हैं तो इसी के लिए बना रहे हैं, एंड रिड्यूस देयर लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये जनरल स्टेटमेंट एकदम सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, इट विल प्रोवाइड अ फार्मर अ गुड होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस देयर लॉजिस्टिक कॉस्ट बाय प्रोवाइडिंग स्टोरेज कैपेसिटी एट द लोकल लेवल। ठीक है सर। सर नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विथ रेफरेंस टू द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, द जुरिसडिक्शन ऑफ द ट्राइब्यूनल एक्सटेंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, या शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डोलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। इन चार में से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत एनजीटी का जुरिसडिक्शन क्या क्या है, अब आप सर ये बताइए इस चीज को। देखिए इसका आंसर क्या है, एनजीटी डील्स विद द केसेस अंडर द सेवन लॉज
रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। तो भैया एक जगह पूरे 7 लॉज आपको याद कर लीजिए, अगर ये 7 आपको याद हैं तो आप इस चीज़ से आपको कुछ भी पूछ लें कि उसका ज्यूरिसडिक्शन किस किस लॉ को एक्सटेंड होता है तो आप तुरंत बता ले जाएंगे। देखिए पहला एक्ट है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 छोड़ दीजिए पहला। दूसरा है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये 7 लॉ है जहाँ पे एनजीटी का ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है सर, अब आप इसमें दो चीज़ छोड़ चुके हैं। देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी पहला छोड़ दिया आपने और लास्ट 2006 वाला छोड़ दिया, और उसके बीच में जितने भी एनवायरनमेंट के लॉ हैं वो सारे इंक्लूड हैं। तो याद कर सकते हैं आप कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 नहीं आता है और शेड्यूल कास्ट वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 नहीं आता है। ठीक है सर, और उनको छोड़कर ये बीच के सारे आते हैं तो याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं हम। जियो टेल इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू, तो भैया जियो टेल क्या है? फैक्चुअल सवाल, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता है। सर इसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मैंने दिया है, मैंने पूरा इसको विस्तार से समझाया अपने कैप्सूल कोर्स में। सर कैप्सूल कोर्स में जाइएगा, प्ले लिस्ट है कैप्सूल कोर्स की मेरी, उसमें जियो टेल मैंने पूरा इसको आराम से बैठ कर समझाया है, और आप एक बार देखेंगे तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है सर। तो आप जाइए और जियो टेल को देखिए, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ अ मैग्नेटोस्फीयर एनवलप अराउंड द अर्थ विच एक्सटेंड बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द मून ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अर्थ साइड फेसिंग द सन। अब ये है क्या, ये क्या मैं बोल गया, इसको समझना है तो आप मेरा जियो टेल का एक बार सेशन जरूर देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है सर। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया रिसेंटली कैरिड आउट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स कॉरपैट फ्रॉम रीयूनियन आइलैंड्स। तो सर ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल सवाल है और कॉमन सेंस का है, अगर आपको पता है तो पता है। देखिए रीयूनियन आइलैंड्स किसका है? फ्रांस का है। अगर ये फ्रांस का है तो भैया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल किसके साथ करेंगे हम? फ्रांस के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। रीयूनियन आइलैंड्स इज एन ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द फ्रांस। रिसेंटली इंडिया एंड फ्रांस फॉर द फर्स्ट टाइम हैव कंडक्टेड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट फ्रॉम द रीयूनियन आइलैंड्स। द पेट्रोल वॉज कंडक्टेड बाई द P-8I एयरक्राफ्ट विथ फ्रेंच नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द टर्म ड्रॉट टूल बॉक्स समटाइम्स सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ। तो सर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और कॉमन सेंस का भी है। ड्रॉट टूल बॉक्स, तो सर आप बताइए, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड और यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इन चार में से कौन होगा? लिखिए कॉमेंट बॉक्स में। देखिए ड्रॉट टूल बॉक्स, ड्रॉट सूखा पड़ जाना, और ये यूएन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये इन दोनों से मैच हो रहा है। कॉमन सेंस भी ये कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी ये नहीं होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ये भी नहीं होगा, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये भी नहीं होगा, और ये होगा क्या सर? यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये होगा, इससे डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है इसका। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। द 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 टू द यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन विटनेस द रिलीज ऑफ द ड्रॉट टूल बॉक्स विथ विच कैन बी यूज बाई द कंट्रीज टू असेस द ड्रॉट रिस्क इन द रीजन मच इन एडवांस एंड प्रिपेयर टू डील विद द वाटर स्कार्सिटी। तो भैया ये टूल बॉक्स से क्या करेंगे हम, उस रीजन में कोई भी कंट्री क्या असेस कर लेगी कि ड्रॉट रिस्क कितना है और कितनी ज़्यादा वाटर की स्कार्सिटी होने वाली है, ताकि वो प्रिपेयर हो सके और उस चीज़ को डील करने के लिए। ठीक है सर, ये जो ड्रॉट टूल बॉक्स है ये 30 पैरामीटर्स को यूज करता है, इंक्लूडिंग सॉइल का मॉइस्चर क्या है, रेनफॉल डेटा, टेम्परेचर डेटा ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट, एंड इट कैन एक्यूरेटली इवेलुएट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ द ड्रॉट। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये रहे 15 सवाल, तो मुझको आप बताइएगा कि आपको ये 15 सवाल कैसे लगे और आपका स्कोर क्या है भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है सर, आपको ग्रो करना है, आपको अपनी ग्रोथ देखनी है इन 60 दिनों में, तो हिचकिचाइए मत, आंसर लिख दीजिए आप, कितने आपने सही किए और कितने गलत हुए, आपको आप अपना स्कोर लिख दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को हिट कीजिएगा। ये मेरा चैनल है होप तुशांत यादव,
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सर नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप अपना टाइम शेड्यूल जो है टाइम टेबल आराम से सेट कर सके। आज थोड़ी सी देरी हो गई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा मुझको। ये मेरी टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर मैं ये PDF अपलोड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।